राधे वे श्री कृष्ण तीन नामों से जाने जाते हैं। अब नीचे की लाइन का अर्थ कीजिए, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। तो क्यों जी, एक तत्व श्री कृष्ण के ये तीन नाम है या इनमें कोई अंतर है? ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे वारी, सलिल, तोय, जल, ये सब जल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्या ऐसे ही है ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये पर्यायवाची है? एक ही चीज के कई नाम होते हैं संसार में। तो क्या ऐसा है कि एक ही श्री कृष्ण का एक नाम ब्रह्म है, एक नाम परमात्मा है, एक नाम भगवान? अगर ऐसा है तब तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं है। उसको चाहे हम श्री कृष्ण को ब्रह्म कहें, चाहे परमात्मा कहें, चाहे भगवान कहें, चाहे ब्रह्म को भगवान कहें परमात्मा कहें, चाहे परमात्मा को ब्रह्म कहें भगवान कहें, तीनों में किसी का कोई भी नाम रख दे, नहीं, विशेष लक्षण भी है, एक भी है, विशेष लक्षण भी है। एक होते हुए भी, अद्वैत ज्ञान तत्व होते हुए भी विशेष लक्षण है तीनों के। बहुत ध्यान दो, ये कभी मत सोचना ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है, या दुर्भावना करने लग जाओ कहीं, अरे तेरा ब्रह्म तो ऐसा है और तेरा परमात्मा तो ऐसा है। ऐसा नहीं है, एक ही तत्व है लेकिन विशेष लक्षण है इन तीनों के अपने अपने। अभी आप नहीं समझे, देखिए, एक होता है पानी जल और एक होती है बर्फ और एक होती है भाप। भाप, ये तीनों पानी है। अरे जल में विशेष ठंड डाल दी गई जीरो पर, वो बर्फ बन गई, और टेम्परेचर दिया गया तो भाप बन गया, उड़ गया, वो दिखाई नहीं पड़ता आपको साधारण बुद्धि में कि ये पानी गया कहां। अजी आप नीचे आग लगाए हैं, पूछते हैं पानी गया कहां, उड़ गया, अरे तो उड़ते हुए दिखाई पड़ना चाहिए ना, अरे वो भाप बन के चला गया, दिखाई क्या, सीधा सीधा जल थोड़े गया है ऊपर, भाप गई है। तो बर्फ, जल, भाप एक ही पदार्थ है, पानी पानी पानी, केवल पानी, पानी में ठंडक का प्लस हुआ तो वो पानी बर्फ, पानी में गर्मी मिल गई तो वो भाप। लेकिन तीनों का लक्षण अलग अलग है, काम अलग अलग है। किसी से आप कहिए बर्फ लाओ और वो पानी लावे, बहरा है क्या, हमने बर्फ मंगाया था। अरे बर्फ ही पानी तो है और क्या है बर्फ। अरे क्या बकबक करता है, अद्वैत वेदांत बोलता है, अरे हम तो बर्फ मंगाए हैं, बर्फ। तो पानी और बर्फ और भाप तीनों एक होते हुए भी उसके विशेष लक्षणों में अंतर है। ऐसे ही एक ही श्री कृष्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान कहलाते हुए भी इन तीनों के लक्षण में अंतर है। पहला देखिए, ब्रह्म। ब्रह्म किसे कहते हैं? एक
परिभाषा उसकी बना दी गई है जो निर्विशेष हो, वेदों में शास्त्रों में सब जगह। हम उन केवलाद्वैतवादियों की बात नहीं करते जो ब्रह्म में शक्ति ही नहीं मानते। ऐसे भी अद्वैती हमारे देश में हुए हैं जो ब्रह्म में शक्ति नहीं मानते, वो वेद विरुद्ध है, क्योंकि वेद कहता है पराश्च शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च तस्य शक्तयस्त्वनेकधाह्लादिनी संधिनी आदि तमाम भरे पड़े हैं मंत्र शास्त्रों में वेदों में। तो जो शक्ति ही नहीं मानते तो उनका तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वो हमारे शास्त्र वेद से पृथक बोल रहे हैं। लेकिन जो शक्ति मानते हैं वे कहते हैं कि ब्रह्म नाम की पर्सनैलिटी निर्विशेष है, निराकार निर्विशेष। तमाम गीता पाठ में वेद शास्त्र लिखा है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म। और एक होता है परमात्मा और एक भगवान। वो भगवान तो श्री कृष्ण है, उनमें तो तमाम बहस नहीं है। इन दोनों के बारे में समझना है। ब्रह्म में शक्तियां हैं और परमात्मा में शक्तियां हैं, भगवान में शक्तियां हैं, एक बात गांठ बांधो, तीनों में सब शक्तियां हैं। अब उन शक्तियों का विकास प्राकट्य कहीं पर बहुत कम, कहीं पर कुछ अधिक और कहीं पर पूरा, बस इतना सा अंतर है। ब्रह्म में शक्तियां हैं लेकिन बहुत कम प्रकट हुई, और जितनी प्रकट हुई बस उतनी ही सदा रहेगी, ये भी याद कर लो। ऐसा नहीं कि आज ब्रह्म परमात्मा हो जाए, परमात्मा भगवान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ब्रह्म में जितनी शक्तियां प्रकट हैं बस वही है, वही थी, वही रहेगी। क्या शक्ति है ब्रह्म के पास? अपनी सत्ता की रक्षा, अपनी सत्ता की रक्षा और ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। यानी ब्रह्म सच्चिदानंद है। ये तीन चीजें जो मैंने ब्रह्म की बताई है कई बार आप लोगों को, सच्चिद आनंद, ये पर्सनल जो भगवान के तीन रूप है, ये सच्चिद आनंद ब्रह्म में भी है और परमात्मा में तो है ही है, भगवान में तो कोई प्रश्न नहीं है। ये सभी शक्तियां उनका प्राकट्य ब्रह्म में केवल इतना है कि वो अपनी सत्ता की रक्षा करते हैं और सदा आनंद स्वरूप रहते हैं, सदा विज्ञान स्वरूप रहते हैं, बस इसके आगे और शक्तियां नहीं है उनमें कि वो आकार भी धारण कर ले, वो लीलाएं भी करे, वो उनमें कोई गुण भी प्रकट हो, कृपा आदि के, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए उनको महापुरुषों ने नाम धर दिया अव्यक्त शक्ति ब्रह्म। अब मेरी राय में तो ये कम ठीक है, अल्पाव्यक्त शक्ति ब्रह्म कहना चाहिए। अरे बहुत थोड़ी सी शक्ति का प्राकट्य हुआ, शक्ति तो है। अव्यक्त शक्ति का मतलब क्या है? कि जहां शक्ति बिल्कुल व्यक्त ही न हो। अरे शक्ति व्यक्त नहीं होगी तो ब्रह्म की पर्सनैलिटी समाप्त हो जाएगी, वो अपनी सत्ता की रक्षा कैसे करेगा? और जो उसमें लीन होंगे वो ब्रह्मानंदी कैसे बनेंगे? तो जो जो शक्तियां परमावश्यक है वो तो है ही है उसमें। इसलिए सबसे कम मात्रा की शक्तियां जिसमें प्रकट है और निर्विशेष
निर्गुण निराकार शब्द से पुकारा जाता है, वो एक सत्ता मात्र, ज्योति मात्र, ज्ञान मात्र ब्रह्म कहलाता है। ये ज्ञानियों का आराध्य है, जिसके विषय में आप लोगों ने बहुत सुना है। साधन चतुष्टय हो जाने, संपन्न हो जाने के बाद तो उस अद्वैत ज्ञान के सुनने का अधिकारी होता है, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बातें हैं। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक अव्यक्ता है कि तेरे दुखम देहवत विरवाप्यते। देहधारियों के लिए तो वो दुर्गम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, होती है, होगी। देखो लोग पहाड़ पर जाते हैं, चढ़ते हैं ऐसे ही, और कितने मर जाते हैं। क्या करने चढ़ रहे हो, देखना है? अरे तो चले जाओ हेलीकॉप्टर से देख आओ। नहीं नहीं, हम तो ऐसे चलेंगे। मर जाओ तो मर जाए, मर जाओ, अपना अपना हट है। हम ज्ञान मार्ग से जाएंगे। भले ही परत खगेश न लागई बारा, पतन होगा। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदंघ्रय, पतन होगा ये जानते हैं। अरे भाई बर्फ पड़ने लगी, पैर फिसल गया, चले गए नीचे। उनके ऊपर हजारों मन बर्फ का बोझ, लाश भी नहीं मिलेगी। होता है, लेकिन अपना अपना विचार है। हम तो तैर के जाएंगे। अरे क्यों, 5 रुपए में जमुना पार हो जाओ ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हम भी तो कुछ है। 5 रुपया दे करके नाव में बैठ के, कोई हम कमजोर हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, तैर के जाएंगे। और तैरते समय कहीं भंवर मिल गई और उसी में चक्कर खाया, 15 मिनट चले गए। तो ऐसे ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करते हैं ज्ञानी लोग। अब परमात्मा को देखिए, परमात्मा में बहुत शक्तियां प्रकट होती हैं, वो उसको साकार बना देती हैं, उसको शरीर रूप में बना देती हैं। आंख कान नाक पूरा, जैसे आपका मनुष्य का शरीर है ऐसा, और इतने अंतर है, आपके 2 हाथ हैं, उनके 4 हाथ होते हैं। तो आप लोग कहते हैं ना, अरे मारने वाला 2 हाथ का है, बचाने वाला 4 हाथ का है। वो महाविष्णु है, और उनका निराकार रूप भी है एक, जो आपके अंतःकरण में बैठकर आपके कर्मों का हिसाब रखता है। और एक रूप और है जो एक ब्रह्मांड में व्याप्त है, और एक रूप और है जो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो परमात्मा 3 प्रकार का हो गया। एक समष्टि ब्रह्मांड में व्याप्त, एक व्यष्टि ब्रह्मांड में व्याप्त, और एक जीवात्मा में व्याप्त। ध्यान दो, समष्टि ब्रह्मांड माने अनंत ब्रह्मांड सारे, और व्यष्टि ब्रह्मांड माने एक ब्रह्मांड। मैंने आप लोगों को अवतार के प्रकरण में बताया था ना, कि भगवान श्री कृष्ण का अंश पुरुष है, और पुरुष जो है 3 प्रकार का होता है, कारणार्णवशायी, गर्भोदशायी, क्षीरोदशायी। तो इसलिए परमात्मा भी 3 प्रकार का हो गया, किंतु प्रमुख रूप से परमात्मा उसी को माना जाता है जो महाविष्णु है, और आपके अंतःकरण में यानी प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उसको शक्ति भी देते हैं, पुराने कर्मों का फल भी देते हैं, नए कर्मों का हिसाब किताब भी रखते हैं। वो परमात्मा है। तो निराकार रूप है, और साकार रूप जो है वैकुंठ में, उनका नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, लीला नहीं।
परिकर नहीं, धाम है। तो लीला और परिकर रहित है, ये शक्ति नहीं है उनमें, यानी इन शक्तियों का विकास नहीं हुआ है, प्राकट्य नहीं हुआ है। ऐसा मत बोलना कि ब्रह्म में शक्ति नहीं है, परमात्मा में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति तो सब है, लेकिन वो प्रकट नहीं हुई, न होगी। तो वो परमात्मा का रूप है, ये सगुण साकार है और इसकी उपासना होती है, भक्त लोग करते हैं तमाम। ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। और तीसरा रूप तो आप लोग जानते ही हैं, जो राधा कृष्ण का रूप, जिसकी उपासना आप करते हैं, तो उन्हीं राधा कृष्ण का ही एक दूसरा रूप परमात्मा और तीसरा रूप ब्रह्म। और एक का ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहा जाता है, परमात्मा के उपासक को योगी कहा जाता है, और भगवान के उपासक को भक्त कहा जाता है। अब ये सब विषय आगे आएगा कि वो ब्रह्म की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति भी श्री कृष्ण के द्वारा ही होगी, बिना श्री कृष्ण की शरणागति के माया निवृत्ति ही नहीं होगी, फिर किसी परम तत्व की प्राप्ति कैसे होगी, उसका प्रश्न ही नहीं है। ये सब विषय आगे आएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हम जिन श्री कृष्ण ब्रह्म के दास हैं, वो ब्रह्म और परमात्मा इन दोनों से विशेष लक्षण वाले हैं, क्योंकि उनमें लीलाएं भी हैं, उनके परिकर भी हैं। हो सकता है आपसे कोई पूछे, क्यों जी ये भगवान के परिकर अनादिकाल से हैं, तो क्या गढ़े गए बीच में? अरे जब से भगवान, तब से उनका नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, परिकर, सब कुछ अनादि। तो क्यों जी फिर ये क्यों कहते हैं जगह जगह एकमेवा द्वितीयम्, फिर एक कहां? अहमेवा समेवाग्रे नान्यत्, केवल मैं ही था अकेला, एको हम सो कामयत। ये तो इसलिए कहते हैं, जैसे कोई कहे कि वहां साहब कौन कौन है, खाली राजा साहब है। तो राजा साहब कहने का मतलब ये है कि उनके अंगरक्षक, उनके जो भी परिकर हैं, वो साथ में है ही है, अकेले कैसे राजा होंगे। तो ऐसे ही ये बोलने में कह दिया जाता है, अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही था, मैं ही माने मेरे परिकर युक्त, मेरा नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, संत, ये सब का नाम मैं, इदा बना दी है, अनंत काल तक रहेंगे, वहां न प्रलय होना है, न महाप्रलय होना है, न वहां माया आदि का कोई प्रवेश होना है, वहां कोई भी अंतर परिवर्तन ये सब बीमारी वहां नहीं, गोलोक में, और गोलोक के नीचे भी परब्रह्म में भी नहीं है बीमारी। जितने लोग हैं सगुण साकार भगवान के अवतारों के, वहां कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है, वे सब सनातन हैं।